अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जहाँ तक ये है कि इंसान हर मज़हब की जो है ना इज़्ज़त करता है और एहतराम करता है, लेकिन डॉक्टर सईद इकबाल ने कल मज़हब के सारे तेरों तरह रौंद दिए। कल उसने एक आलम पाक की बेहुरमती की, हज़ारों लोगों के सामने, लाखों लोगों को ये आलम पाक सईद इकबाल, डॉक्टर सईद इकबाल इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं ज़मीन की लालच में। लोगों को तो बेघर कर ही रहे हैं, लेकिन उसे ना तो किसी मस्जिद का ख्याल है, ना तो किसी अलम का एहतराम है, ना तो किसी मज़हब का एहतराम है। ये लोग हमारे सामने से उखड़े हैं, सब कल इस बात की गवाही देते हैं। ये अलम पाक की जगह थी, कल उसने लाते मार मार के इस अलम पाक को शहीद किया। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि इस जाहिल इंसान को कोई ना कोई ऐसा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बड़े इकतदार के ऐवानों तक जाए। इस अलम लोगों को बेघर करने के अलावा या ये पाँव के नीचे ये जगह रोंदी गई। और ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई झूठ बोल रहे हैं या कोई, ये बिल्कुल आपके सामने है। और यहाँ पे काफी लोग हैं जो इस बात की, हजारों लोग गवाही देंगे कि यहाँ पे उसने इस अलम को शहीद किया गया है। यहाँ पे कोई भी अमीर लोग नहीं बैठे, ये सब झोपड़ियाँ इन गरीबों की हैं। और ना तो ये कब्जे ग्रुप है, ना तो कोई कुछ है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पैसों के नशे में MD के साथ मिलके उसने गरीब लोगों का किसी चीज का भी एहतराम नहीं। सबसे ज्यादा ये शाह लतीफ टाउन की जगह है और ये एरिया 30A है, जिसमें उसने अलम को बड़ी ही बेरहमी के साथ लाते मारी और उसको शहीद किया गया। और ये उसकी हजारों लोग गवाह हैं, ये नहीं है कि उसने अकेले, हजारों लोग गवाह हैं। वहां पे काफी मीडिया थी, ये मीडिया की बेहसी है कि ऐसी चीजें जो है ना सामने नहीं लाती है। शहीद किया अलम पाक गाजी अब्बास पांव से, हमारे को घरों का दुख नहीं है, हमारे गाजी को शहीद किया, हमारे को बहुत दुख ज्यादा है। फालते फाल डॉक्टर इकबाल ने हमारे छीन लिए, वो गैर कानून नहीं था, पाल वाले प्लाट है दो जिसमें हमारा गाजी था, हमको बच्चों से ज्यादा गाजी की इज्जत है। शहीद इकबाल पे लाना बेहुरमती हुई है गाजी की, गाजी की जगह भी नवाज बुनेरी देख लेंगे, फाइल है बिल्कुल, पांव से शहीद किया है। ये कोई कब्जे करनी है, इसकी फाइल है, जो फिलहाल फाइल भी लेके गया सर डॉक्टर सईद इकबाल।